हेलो हाय, मेरा नाम ऋषभ है और मैं एक नवगुरुकुल नाम की संस्था से हूँ। तो आज हम ये बात करेंगे कि कैसे हम लोग एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं और उसको लेकर एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हम सब लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं। हम सब एक अच्छे कॉलेज जाना चाहते हैं और उस अच्छे कॉलेज के बाद एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये अच्छी नौकरी प्राप्त करके एक अच्छी कंफर्टेबल ज़िंदगी जी सकें, साथ साथ ऐसा भी कर सके कि हमारे मम्मी पापा और हमारे परिवार को हम पे गर्व हो और हमारी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो। लेकिन बहुत बार ऐसा हो नहीं पाता। हम में से बहुत सारे लोग कॉलेज जा ही नहीं पाते और हमें कोई छोटा मोटा कोर्स करना पड़ता है, या बहुत बार कॉलेज जाके भी आजकल तो नौकरी नहीं लगती। इनफैक्ट हमारे देश में बहुत सारे लोग कॉलेज तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद, वहां से डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उनका नौकरी नहीं लगता। हमारे आसपास ही बहुत सारे लोग होंगे, हमारे परिवार में, हमारे आसपास के दोस्त, हमारे मोहल्ले में, जो कॉलेज गए, कॉलेज जाके डिग्री भी ले ली, लेकिन उसके बाद भी या तो नौकरी लगा नहीं या बहुत अच्छा नौकरी नहीं लगा। इनफैक्ट हमारे देश में हर साल कुछ 15 लाख लोग इंजीनियर बनते हैं, एंड उन 15 लाख में से मुश्किल से 1 लाख की एक अच्छी नौकरी लगती है। दूसरे 14 लाख की या तो नौकरी लगती नहीं है या ऐसी नौकरी लगती है जो उनकी 12वीं के बाद, स्कूल के बाद भी लग सकती थी। तो हम कॉलेज जाने में इतना पैसा, इतना टाइम उड़ाते हैं, लेकिन बहुत बार उसके बाद भी हमें फायदा नहीं होता है। इनफैक्ट ये तो बात रही इंजीनियरिंग की, दूसरी दूसरी फील्ड्स का और भी बुरा हाल है। जैसे अगर आप बात करेंगे BCA की, BCom की, BA करने वालों की या होटल मैनेजमेंट करने वालों की, वहाँ भी एकदम नौकरियाँ लगती नहीं हैं या ऐसी नौकरियाँ लगती हैं जो उनकी 12वीं पास करके भी लग गई होती। तो बहुत बार हमें कॉलेज जाने का फायदा नहीं होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका हल क्या है। तो इसका मेजर कारण ये होता है कि हमें कॉलेज जाने के बाद, हमें डिग्री मिलने के बाद सही स्किल्स नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से जब हमें सही स्किल्स नहीं मिलते हैं, हमें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपने कॉलेज में रेडियो बनाना सीखा है। अब आपको रेडियो बनाना आता है, लेकिन आजकल तो रेडियो बनाने वाली कंपनियां है नहीं इस दुनिया में, क्योंकि आजकल मोबाइल इस्तेमाल होते हैं। तो आप एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी के पास जाते हैं और आप मोबाइल बनाने वाली कंपनी को बोलते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए और मुझे रेडियो बहुत अच्छे बनाने आते हैं। तो मोबाइल बनाने वाली कंपनी आपको बोलती है, देखो अच्छी बात है आपको रेडियो बनाने आते हैं, लेकिन हम आपको नौकरी कैसे दें? आप बोलते हो मुझे रेडियो बनाना आता है, लेकिन मोबाइल वाली कंपनी बोलती है कि नहीं, हमें तो मोबाइल बनाने वाला आदमी चाहिए, रेडियो बनाने वाले से काम नहीं होगा। तो इस वजह से बहुत बार ये होता है कि हमें स्किल्स तो आते हैं, लेकिन ऐसे स्किल्स नहीं आते जिससे हमारी अच्छी नौकरी लग सके। तो इनफैक्ट यहाँ नवगुरुकुल आपकी कुछ ना कुछ जगहों पे मदद कर सकता है। तो वो समझने से पहले कि नवगुरुकुल आपकी कैसे मदद कर सकता है, हम पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो आप सबने कंप्यूटर तो देखे होंगे और बहुतों ने कंप्यूटर इस्तेमाल भी करे होंगे। तो अगर आप सोचेंगे तो हमारे आसपास आज की डेट में सब कुछ कंप्यूटर है। सिर्फ वो कीबोर्ड के साथ दिखने वाला जो आपके टेबल पे होता है और साथ में स्क्रीन होती है, सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं है। इनफैक्ट आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, चाहे वो छोटे वाला मोबाइल है चाहे या वो बड़ा टच स्क्रीन वाला मोबाइल है, आजकल हर चीज़ में एक कंप्यूटर है। तो हमारे आसपास हम कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। तो हम सब ने थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना तो सीखा होगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कैसे हमारे आसपास की हर एक चीज़ कंप्यूटर है, तो उस पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। जैसे आपने आपके मोबाइल पे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया होगा, नहीं तो अपने दोस्तों के मोबाइल पे कहीं ना कहीं आपने देखी होगी। तो ये भी एक तरीके से एक आपके कंप्यूटर पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मोबाइल भी अपने आप में ही एक कंप्यूटर है। तो ये मोबाइल या अपने कंप्यूटर पे MS Word या MS Excel जैसे सॉफ्टवेयर शायद सीखे भी हों, लेकिन अभी तो आपने ये सॉफ्टवेयर चलाने सीखे हैं। लेकिन ये सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ये सॉफ्टवेयर बनाता कौन है, वो कौन है जो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जो अगर आप आज व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने दूर बैठे हुए दोस्त को एक SMS या एक अच्छी सी फोटो भेज पा रहे हैं, तो वो कौन है जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। तो इनफैक्ट वो लोग जो ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्किल्स आते हैं, उनको मोबाइल एप्स बनाने के स्किल्स आते हैं, उनके पास वो स्किल्स होते हैं जिससे वो ये सॉफ्टवेयर और ये मोबाइल एप्स बना सकें। और इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी नौकरी है जिसके लोग हमारे देश में, तो क्या सारी दुनिया में, उनको सब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और पैसे मिलने के साथ साथ एक अच्छी कंफर्टेबल जॉब भी होती है, और अगर ऐसी जॉब करेंगे तो
ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स को और हमारे परिवार को हम पे बहुत गर्व भी होगा। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होते हैं, अब हम ये समझते हैं कि नवगुरुकुल हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में कैसे मदद कर सकता है। तो अभी ही हमने नवगुरुकुल में एक एक साल की स्कॉलरशिप लॉन्च करी है जिसमें हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाते हैं और उसके बाद आपकी एक बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। तो इस कोर्स में हम आपको एक तरीके से मोबाइल ऐप्स बनाना, अपने सॉफ्टवेयर बनाना, अपनी वेबसाइट्स बनाना, ये सब कुछ सिखाते हैं। और ये सब कुछ सीखने के बाद आपके पास अच्छे स्किल्स होते हैं जिससे आपको एक अच्छे पैसे कमाने वाली नौकरी मिल जाती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इस कोर्स में तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए तो आपको 11वीं 12वीं में मैथ्स फिजिक्स ये सब पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके बाद एक कॉलेज जाना चाहिए। लेकिन वो सब ज़रूरी नहीं है, उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि नवगुरुकुल का कोर्स करने के बाद बच्चों की पहली नौकरी 20,000 से 40,000 तक की सैलरी की लग जाती है। तो इनफैक्ट हम कुछ बच्चों से मिलते हैं जो नवगुरुकुल से ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो नवगुरु से पास आउट हो चुके हैं। यहाँ मैंने सिर्फ दो बच्चों के बारे में, नितिन और शिवम के बारे में थोड़ा सा लिख के बताया है। तो नितिन एक दिल्ली में रहने वाला लड़का है, वो पहले एक दुकान पे 12वीं खत्म करने के बाद एक छोटी सी दुकान पे काम कर रहा था और थोड़ी 4-5 हज़ार कमा रहा था। तो इनफैक्ट अब वो कुछ साल पहले हमारे कोर्स के लिए आया और ये कोर्स करने के बाद आज नितिन अपनी नौकरी कर रहा है और ये उसकी पहली नौकरी है और तब भी वो 40,000 की सैलरी कमा रहा है। तो एक साल के कोर्स के बाद उसकी पहली नौकरी की सैलरी 40,000 है। तो आप सोच सकते हैं कि नितिन को कितनी ग्रोथ मिलेगी आगे अपनी लाइफ में। ऐसी शिवम है, शिवम एक छोटी सी बेकरी में काम कर रहा था 12वीं के बाद, और वो काम करके फिर उसको फाइनली नवगुरुकुल के बारे में पता चला। तो जब उसको नवगुरुकुल के बारे में पता चला, उसने नवगुरुकुल का छोटा सा टेस्ट देके नवगुरुकुल ज्वाइन किया, और एक साल बाद नवगुरुकुल से निकलने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखने के बाद आज वो ऑगमैक्स लैब्स नाम की एक कंपनी में जॉब कर रहा है और वहाँ वो 35,000 की सैलरी कमा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कोर्स करने के बाद कितनी अच्छी नौकरियाँ लग जाती हैं। एंड इनफैक्ट नितिन और शिवम ही दो लड़के नहीं हैं, बहुत और लड़के और लड़कियाँ हैं जो इस कोर्स से निकल के अच्छी नौकरियाँ करेंगे। नवगुरुकुल की स्कॉलरशिप लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा है, आपके कितने नंबर आए हैं, आप कॉलेज जाते हो या नहीं जाते हो, इन सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ एक बहुत छोटा सा टेस्ट लेके ये देखते हैं क्या क्या आप उस ढंग से सोच पा रहे हो जो ढंग चाहिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सोचने के लिए। और इसके लिए ये पता होना कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं या ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में पता होना कुछ ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि आप क्या बहुत मेहनत करने के साथ, दिन रात एक करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने को तैयार हो। अगर वो सब है तो हम उन सिलेक्टेड बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते हैं। तो इनफैक्ट अब इस पे आते हैं कि हम नवगुरुकुल में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो नवगुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए हम एक बहुत छोटा सा टेस्ट लेते हैं, और वो टेस्ट लेने के बाद जब आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो हम आपको एडमिशन दे देते हैं। आपके दिमाग में एक और इम्पॉर्टेंट सवाल चल रहा होगा कि नवगुरुकुल में फीस क्या है। तो फीस पे आते हुए, नवगुरुकुल एक स्कॉलरशिप है उन बच्चों के लिए जो एकदम मेहनत करके, दिन रात एक करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप में कोई भी फीस नहीं है। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका पूरा एक साल का कोर्स, उन सबको एक लैपटॉप मिलता है और फिर पूरा एक साल का कोर्स सारा एकदम फ्री है। तो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, थोड़ा ये बात करते हैं कि उनके लिए नवगुरुकुल में एक साल कैसा होगा। तो नवगुरुकुल में बहुत पढ़ाई भी होती है, लेकिन बहुत पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी मस्ती होती है। तो इनफैक्ट पहले तो आप नवगुरुकुल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखेंगे जो सीखने आप आए हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखने से आप मोबाइल ऐप्स बनाना, वेबसाइट्स बनाना, ये सब सीखेंगे। लेकिन सीखने का नवगुरुकुल में कुछ ढंग अलग होता है। तो अभी तक आपने क्लासरूम में बैठ के टीचर से सुन के या ऐसे पढ़ पढ़ के सीखा होगा, लेकिन नवगुरुकुल में हम चीज़ें करके सीखते हैं। तो हम ऐसे पढ़ के, किताबें पढ़ के या और चीज़ें पढ़ के नहीं सीखेंगे, हम अपने आप चीज़ें करके सीखेंगे। सो अगर हमने एक मोबाइल ऐप बनाना सीखना है तो हम मोबाइल ऐप बना के धीरे 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 वो मोबाइल ऐप खुद बना के सीखेंगे। हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ के नहीं सीखेंगे। हम पढ़ते बहुत कम है, हम काम करके बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो एक ही चीज़ है जो आप सीखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा अच्छी नौकरी करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको अच्छी तरह इंग्लिश बोलनी आती है। तो बहुत सारा टाइम हम इंग्लिश बोलने पे, इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में कैसे अच्छे से बोल के बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। फिर हम बहुत सारा टाइम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर करेंगे कि हम अच्छे से कॉन्फिडेंटली कैसे रह सकते हैं, हम इस पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं,
आप और भी बहुत चीज़ें कि आप एक तरीके से एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं और उसके बाद एक अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सब कुछ ही है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी अब तक हमने बात नहीं करी है कि ये कोर्स कहाँ होगा। तो इनफैक्ट ये 1 साल का रेजिडेंशियल कोर्स है। रेजिडेंशियल का मतलब आपको वहीं आके रहना होगा, आपको एक हॉस्टल मिलेगा जिसमें आप रहोगे और वहीं आओगे अपने नए दोस्तों के साथ जो नवगुरुकुल में आपके साथ पढ़ रहे होंगे, जो और अलग अलग जगहों से आएंगे, उन्हीं के साथ आप रहोगे, उनके साथ रह के उनके साथ वहीं सीखोगे और सीख के फिर फाइनली आपकी नौकरी लग जाएगी। आपको नौकरी कहाँ लेनी है, भारत में नौकरी कहाँ लेनी है, वो आपके ऊपर है, लेकिन वहाँ आके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आप अच्छे से सीख पाओगे, तभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा सीखने का। तो इनफैक्ट लड़कियों का जो जगह है रहने का वो बैंगलोर में है और लड़कों की जगह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका पूरा 1 साल का रहना, खाना, पीना, आपको एक लैपटॉप मिलना, सब कुछ टोटली फ्री है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो पैसे की या ऐसी कोई चिंता वाली बात ही नहीं है क्योंकि सारा टोटल कोर्स सिलेक्टेड बच्चों का जो मेहनत करके दिन रात एक करने को तैयार है उनके लिए टोटली फ्री है। इनफैक्ट आप एक चीज सोच रहे होंगे कि वहां रहना क्यों जरूरी है, हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि अपने घर में रहें और सुबह जाएं शाम को आके ये कोर्स नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि हम इस कोर्स में इतना कुछ सीख रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं, अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली बात कैसे करते हैं, इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं और इतनी सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं जिसके बाद हमारी बहुत ही अच्छी नौकरियाँ लगती हैं, 20 से 40 हज़ार तक की पहली नौकरी लग जाती है। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी और बहुत सारी चीज़ें सीखनी और बहुत सारा टाइम बिताना इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो घर पे रहेंगे तो वो टाइम बिताना, उतनी मेहनत करनी पॉसिबल नहीं होगी। हम पूरा टाइम इन चीज़ों के बारे में सोचते रहें, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, जो दोस्त भी हमारे यही चीज़ कोर्स कर रहे हैं, यही चीज़ें सीख रहे हैं, तो उससे हम लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। और इनफैक्ट ये भी सोचिए कि नवगुरुकुल में हम देश के हर एक कोने में जाके तो अपना एक सेंटर एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो इनफैक्ट हमारे लिए भी आसान है कि हम एक या दो जगह पे सेंटर एस्टैब्लिश करके सारे बच्चे जो ये कोर्स करना चाहते हैं उनको वहाँ बुला लें। तो इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि 1 साल का कोर्स, 1 साल अपने मम्मी पापा से दूर रहना, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से दूर रहना, अब जिस जगह में आप आज तक पले बड़े हैं वहाँ से दूर रह के कहीं और चले जाना और फिर वहाँ रहना काफ़ी मुश्किल चीज़ है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए और एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनफैक्ट अभी इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, ये ना सोचिए कि क्या हमारे मम्मी पापा जाने ही नहीं देंगे या क्या हम जाना ही नहीं चाहते हैं तो हम टेस्ट लिखेंगे ही। एक बार आप टेस्ट दीजिए, वैसे ही जो नवगुरुकुल का टेस्ट है वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल है। वैसे भी अगर आप नवगुरुकुल नहीं भी आएंगे और आप टेस्ट देंगे, आपको टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपका दिमाग खुलेगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होते हैं आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। तो आप बेझिझक होकर आपको एक बार टेस्ट दीजिए, उसके बाद और समझ के हमें समझ सकते हैं कि क्यों वहाँ जाना इम्पोर्टेंट ज़रूरी है और अगर हमारा मन है तो कैसे अपने मम्मी पापा को कन्विंस करना है, कैसे अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करना है कि हम ऐसे कहीं दूर जाना चाहते हैं कोर्स के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ की भी टेंशन ना लीजिए, आपके साथ और बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ रहेंगे इस एग्जाम में, नवगुरुकुल की ही टीम से बहुत सारे लोग आपको सिखा रहे होंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, आप ही के बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके साथ रहेंगे, तो बहुत मज़े भरे वाला वाला 1 साल होने वाला है। तो इनफैक्ट आपके कोई भी सवाल है या आपको टेस्ट देना चाहते हो, जो टेस्ट की हमने बात करी, जिससे जो सिंपल सा एक टेस्ट है जिसमें क्लियर करके आप नवगुरुकुल की स्कॉलरशिप ले सकते हो, वो टेस्ट देने के लिए या कोई भी सवाल पूछने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है और इस नंबर पर कॉल करके आप या तो वो सवाल पूछ सकते हैं या टेस्ट देने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप टेस्ट देने के लिए रजिस्टर करेंगे तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे और इस कॉल करके आपको एक SMS आ जाएगा आपके फ़ोन पे जिसमें टेस्ट देने का एक लिंक होगा। तो आप उस लिंक को अपने फ़ोन में खोलेंगे, कोई भी एंड्रॉयड का टच स्क्रीन वाला फ़ोन, अगर आपके पास नहीं है तो आपको किसी अपने दोस्त से या अपने परिवार में कहीं से फ़ोन लेना पड़ेगा, वो उसमें खोलेंगे, उसको खोल के आप बहुत आसानी से एक टेस्ट दे सकते हैं। आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा और आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नंबर याद से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं एक बार नंबर बोल भी देता हूँ, 0111395951 41। बाय।